वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड, या वी कैन से वी आर डिस्कसिंग अबाउट इंटेलिजेंस थियरीज. इन दिस इंटेलिजेंस थियरी वी डिस्कस्ड वन फैक्टर थियरी, टू फैक्टर थियरी, ग्रुप फैक्टर थियरी, देन वन मोर, और दैट इज अ मोस्ट इंपॉर्टेंट, अ स्ट्रक्चर ऑफ इंटेलेक्ट, एसओ आई मॉडल, ऑल्सो नोन एज थ्री डायमेंशनल इंटेलिजेंस थियरी, गिवेन बाय जेपी गिलफर्ड. अब हमने कहा कि सारे लोगों ने कोई कहा इंटेलिजेंस इज अनडिविजिबल, अविभाज्य है. किसी ने कहा टू फैक्टर होता है, किसी ने कहा कि ग्रुप फैक्टर, कुछ ऐसे भी मेंटल प्रोसेस हैं जिसमें प्राइमरी मेंटल एबिलिटी ज्यादा से ज्यादा प्रधान मानसिक कारक की आवश्यकता होती है. जेपी गिलफर्ड ने कहा कि इंटेलिजेंस में मैक्सिमम 180 कंपोनेंट एलिमेंट होते हैं. बट एक रिसेंट साइकोलॉजिस्ट ही सेड, उन्होंने कहा कि ईच इंडिविजुअल हैज अ यूनिक, या ईच इंडिविजुअल हैज ओन एबिलिटी ओन कैपेसिटी. हर एक व्यक्ति अपने आप में अनोखा होता है. तो वो ही गेव मल्टीपल इंटेलिजेंस थियरी. नाउ वी विल डिस्कस अबाउट मल्टीपल इंटेलिजेंस थियरी इज गिवेन बाय हॉवर्ड गार्डनर. हमने कहा कि आज जो हम लोग पढ़ेंगे वो हम क्या वो बताए, मल्टीपल इंटेलिजेंस थियरी. ये मल्टीपल इंटेलिजेंस थियरी हमने कहा इज गिवेन बाय हॉवर्ड गार्डनर, हॉवर्ड अर्ल गार्डनर. हॉवर्ड गार्डनर ऐसे साइकोलॉजिस्ट है, अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट है. कहां के हैं? अमेरिकन. और मैं आपको बता दूं कि अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट अमेरिका में भी बहुत जगह है. अमेरिका में शिकागो है. और ये अमेरिका से थोड़ा सा मैं इसलिए बात करता हूं कि हमारा दोस्त वहां भी एक अमेरिका में है, तो शिकागो में है. लेकिन ये जो अमेरिका में जो जगह का नाम था, ये सैन क्रोटन जगह का नाम है. तो हमने कहा कि हॉवर्ड अर्ल गार्डनर वाज अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट, नॉट वाज, सॉरी इज. हॉवर्ड गार्डनर अभी ये जिंदा है. इनका बर्थ बता दूं मैं आपको, जस्ट अभी पास हुआ है, 11 जुलाई 1943 का इनका बर्थडे है, 11 जुलाई 1943. ठीक है. तब आपको लग रहा है कि ये जो साइकोलॉजिस्ट जिनके बारे में हम पढ़ने जा रहे हैं वो अभी जिंदा है, वाज नहीं है, इज है. तो ये हॉवर्ड गार्डनर ने मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी दिया. अब समझिए ये वर्ड को मल्टीपल. मल्टीपल का अर्थ होता ही है मेनी. आ रही बात समझ में? तो अब थोड़ी सी हम बात करें हॉवर्ड गार्डनर की. ध्यान देना है आपको, इनकी बात करें थोड़ी सी, कुछ स्टेटमेंट की, स्टेटमेंट्स की. और ये हॉवर्ड गार्डनर सीटेड में इतना इंपॉर्टेंट है कि हम कह नहीं सकते आपको. और ये वीडियो मैं बता रहा हूं एकदम ध्यान से देखेंगे, सीटेड का क्वेश्चन एकदम आसानी से बन जाएगा, रटने की कोई जरूरत नहीं है. तो चलिए, हमने कहा कि हॉवर्ड गार्डनर, इन्होंने कहा कि आई वॉन्ट टू अंडरस्टैंड चिल्ड्रेन अबाउट वर्ल्ड. इन्होंने कहा कि हम बच्चों को विश्व के बारे में समझाना चाहते हैं, बट नॉट जस्ट नाउ.
अभी नहीं, क्योंकि वर्ल्ड इज फैसिनेटेटिंग एंड ह्यूमन माइंड इज क्यूरियस। बालक को हम विश्व के बारे में समझाना चाहते हैं, लेकिन अभी नहीं। क्यों? क्योंकि विश्व जो है आकर्षक है और हमारा मस्तिष्क क्या है? उत्सुक है। इन्होंने सबसे बड़ी बात कहा हार्वर्ड गार्डनर ने कि मल्टीपल की बात है, उन्होंने कहा सबसे बड़ी जो बात है, ये मोटिवेटेड लाइन भी है, आपको बता सुंदर आपको मोटिवेटेड लाइन जिन्होंने कहा, क्या कहा? अवॉइड मिस्टेक्स, ध्यान दीजिएगा, अवॉइड मिस्टेक्स, कि पहले जो आपसे गलतियां हो गई थी उसके बारे में ज्यादा सोचना नहीं है। अवॉइड मिस्टेक्स एंड मूव टूवर्ड्स प्रोडक्टिव डायरेक्शन। ये अपने आज जीवन में याद रखिएगा, अगर आपको इंटेलिजेंस पे कमांड करना है तो कहा कि अवॉइड मिस्टेक्स, और इससे भी सेटेड में क्वेश्चन आएगा कि गलत बालक के एरर से गलतियों से कैसे सीखते हैं, तो कहा यहां पे कि मिस्टेक्स जो पहले से गलती हुआ उसको क्या करो, दरकिनार कर दो और कहा जाओ प्रोडक्टिव रचनात्मक कार्य की तरफ, रचनात्मक कार्यों या दिशा की तरफ अपने आप को दिमाग लगाओ। ये बहुत आपको इंपॉर्टेंट लाइन है। चलिए अब हम आते हैं यहां पर कि हार्वर्ड गार्डनर ने मल्टीपल लेंस थियरी जो दिया, इट इज बेस्ड ऑन, ध्यान दीजिएगा, इट इज बेस्ड ऑन न्यूरो साइकोलॉजी एंड साइकोमेट्रिक्स। अब ये जो वर्ड है यहां पे न्यूरो साइकोलॉजी, ये समझना है हम लोगों को, इसका हिंदी है न्यूरो मनोविज्ञान। अगर ये अर्थ आप समझ गए न्यूरो साइकोलॉजी, तो आपको सीटेट का मैं बता रहा हूं कि एक क्वेश्चन यहीं पे हो जाएगा, ध्यान से समझिएगा इसको। न्यूरो साइकोलॉजी, और हमने कहा साइकोमेट्री, कहने का मतलब न्यूरो मनोविज्ञान, और इसका हिंदी होता है साइकोमेट्रिक का मनोमितीय, मनोमितीय। तो ये न्यूरो साइकोलॉजी और साइकोमेट्रिक के रिसर्च के आधार पे हमने कहा न्यूरो मनोविज्ञान और मनोमितीय के शोध के आधार पे हार्वर्ड गार्डनर ने यह सिद्धांत दिया। अब हम लोग को देखना है कि न्यूरो साइकोलॉजी होता क्या है। ये है, इट इज अ ब्रांच ऑफ साइकोलॉजी दैट कंसर्न विथ, ध्यान दीजिएगा, कंसर्न विथ हाउ द ब्रेन एंड रेस्ट ऑफ द नर्वस सिस्टम, ध्यान दीजिएगा यहां पे, रेस्ट ऑफ नर्वस सिस्टम। हमने कहा कि न्यूरो मनोविज्ञान, इट इज ए ब्रांच ऑफ साइकोलॉजी, साइकोलॉजी की मनोविज्ञान की एक शाखा है जो कंसर्न विथ हाउ द ब्रेन एंड रेस्ट ऑफ नर्वस सिस्टम इन्फ्लुएंस पर्सन्स कॉग्निशन एंड बिहेवियर। अगर ये बात आज समझ गए आप, इसमें ध्यान से समझिएगा, सीटेट का एक क्वेश्चन यहीं से हो जाएगा। तो इसमें क्या कह रहा है कि न्यूरो मनोविज्ञान मनोविज्ञान की वह शाखा है जिसमें हमारा मस्तिष्क और हमारा नर्वस सिस्टम जो है हमारा, कितना व्यक्ति के संज्ञान को और व्यवहार को प्रभावित करता है। कहने का तात्पर्य कि न्यूरो मनोविज्ञान एक मनोविज्ञान है जिसमें कह रहा है कि मस्तिष्क और जो हमारा नर्वस सिस्टम है हमारा,
वो दोनों पर्सन व्यक्ति के संज्ञान को व्यवहार को कितना प्रभावित करता है या नहीं करता है ये बात हो रहा है। तब देखिए थोड़ा सा और क्लियर हो जाएगा आपको। इन अदर वर्ड्स इन्होंने कहा कि फोकस ऑन इलनेस या ध्यान दीजिएगा मेंटल इंजरी, क्या कहा मैंने, इलनेस या मेंटल इंजरी ऑफ ब्रेन अफेक्ट अदर पर्सन्स कॉग्निशन एंड बिहेवियर। हाँ, कहने का मतलब क्या हुआ कि हॉवर्ड गार्डनर ने कहा कि अगर मस्तिष्क का कोई एक भाग क्षति हो जाता है, डैमेज हो जाता है, सिस्टम इन्फ्लुएंस पर्सन्स कॉग्निशन एंड बिहेवियर, एक भाग क्षति होने से दूसरा जो हमारा पार्ट्स है जो बुद्धि का है वो प्रभावित नहीं होता है। ध्यान दीजिएगा इसके अनुसार क्या कहा गया, यही सीटे पे पूछेगा। हॉवर्ड गार्डनर ने कहा कि व्यक्ति का मस्तिष्क का कोई एक भाग क्षति होता है, मतलब एक बुद्धि क्षति होता है, तो और जो उसके पहलू हैं वो प्रभावित नहीं होता है। ये हमारा न्यूरोसाइकोलॉजी कहता है। तो आप लोग समझ गए इसको। अब हम लोग इसको आगे देखते हैं, जो दूसरा पार्ट है वो साइकोमेट्रिक्स है, वो हम लोग अब देखेंगे इसके आगे, है ना। ये हमारा न्यूरोसाइकोलॉजी हो गया, अब जो है साइकोमेट्रिक हम लोग देखेंगे, है ना। हम लोगों ने न्यूरोसाइकोलॉजी में हॉवर्ड गार्डनर ने कहा कि मस्तिष्क का कोई एक भाग क्षति हो जाता है तो हमारा दूसरा जो बुद्धि है, दूसरा बुद्धि मतलब इसलिए पता चल रहा है कि मल्टीपल देयर आर सो मेनी टाइप्स ऑफ इंटेलिजेंस। अब जो हमने आपको बताया कि न्यूरोसाइकोलॉजी तो हो गया, अब थोड़ी सी एक बट था क्या, साइकोमेट्रिक, इसका हमने बताया था आपको मनोमितीय। अब समझिए इसको, ये भी शब्द बहुत इंपॉर्टेंट है। साइकोमेट्रिक का मतलब कहता है, साइकोमेट्रिक इट इज द फील्ड ऑफ स्टडी कंसर्न विथ अब यहां पे साइकोमेट्रिक किसके क्या संबंध रखता है ये मैं बता रहा हूं आपको, कि इट इज द फील्ड ऑफ स्टडी कंसर्न विथ, यहां पे मुख्य बात यही कर रहे हैं हम लोग कि जो हमारा ज्ञान है, कौशल है, अभिवृत्ति है, उसका हम लोग मेजरमेंट कैसे करेंगे, यही बात करना है हमको। इट इज द फील्ड ऑफ स्टडी कंसर्न विथ, ध्यान दीजिएगा इसमें, ऑब्जेक्टिव मेजरमेंट ऑफ क्या, एटीट्यूड स्किल्स, उसके बाद एबिलिटीज एंड वन मोर एकेडमिक अचीवमेंट, है ना। यहां पे ध्यान देने वाली बात यह है कि मनोमितीय में जो है हम लोग क्या करते हैं, ऑब्जेक्टिव मेजरमेंट करते हैं, वस्तुनिष्ठ मापन करते हैं अभिवृत्ति का, कौशल का, योग्यता का और अकादमिक उपलब्धि का। तो कहने का मतलब क्या हुआ यहां पे कि टेक्निक्स एंड थियरी ऑफ, ध्यान दीजिएगा यहां पे, साइकोलॉजिकल मेजरमेंट
मेंटल ट्रेड्स, मुख्य रूप से बात हुआ कि हमारा जो मनोमितीय है इसमें मनोवैज्ञानिक पक्षों के तकनीकों और सिद्धांतों का अध्ययन करते हैं। क्या हुआ? मनोमितीय में मनोवैज्ञानिक तकनीकों और सिद्धांतों, जो हमारा मनोवैज्ञानिक है, मानसिक शील गुण है, उसके हम तकनीक को देखेंगे और सिद्धांत को देखेंगे। और यही तकनीक और सिद्धांत के पहले हमने कहा कि मनोमितीय में हम लोग ऑब्जेक्टिव मेजरमेंट करते हैं, चाहे अभिवृत्ति हो, चाहे स्किल हो, एबिलिटी है। अब यहाँ पे जो सबसे ध्यान देने वाली बात है और जो अब हम बता रहे हैं आपको, वो ध्यान से समझिएगा। हमने अभी कहा है ही गेव मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी मेनी, तो इसलिए कहा गया इंटेलिजेंस इज नॉट सिंगुलर बट प्लूरल। कहने का मतलब क्या हुआ कि बुद्धि जो है हमारा वो क्या है, एकांगी नहीं है। एकांगी नहीं है तो क्या है, बहु मतलब मेनी है। ये आपको वहीं से पता चल रहा, कुछ नई चीज हमने बताया है। तो हमने अभी देखा कि हॉवर्ड गार्डनर ने मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी दिया, तो हमने कहा कि यह न्यूरोसाइकोलॉजी और साइकोमेट्री के रिसर्च के आधार पर यह सिद्धांत दिया गया है। उसके बाद हमने बतलाया न्यूरोसाइकोलॉजी क्या होता है, साइकोमेट्री क्या होता है, और एक जो सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट अभी इसी टेट में सवाल मैंने बताया कि यह एकांकी नहीं है, बहुत सारे बुद्धि का यह मिला जुला है। दूसरा जो सीटेट में क्या पूछेगा कि मस्तिष्क का एक भाग अगर क्षति होता है तो दूसरा जो हमारा है, दूसरा जो बुद्धि है वो क्षति नहीं होता है, उसका प्रभाव उस पर नहीं पड़ता है। अब हम आगे देखते हैं।